इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखो यहाँ पे फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स हेल्प आर डैश टू क्लाइम ट्रीज, पील फ्रूट्स एंड यूज सिंपल टूल्स. जरूरत इस बात की है कि हम समझें कि यहाँ पे क्या बात करी गई है. टो नेल्स और फिंगर नेल्स, ये नेल्स जो हमारे उंगलियों में और टोज में होते हैं, उसका इस्तेमाल उन्होंने हमारी मदद करी. किसको मदद करी, किस चीज में? टू क्लाइम ट्रीज और पील फ्रूट्स एंड यूज सिंपल टूल्स. किसको मदद करी? ऑफ कोर्स हमारे फोर फादर्स को मदद करी. तो हमारे दिमाग में क्या बात आ गई कि हमारे फोर फादर्स, एक दिमाग में हमने रख के चला. अब ऑप्शन ढूंढो. ऑप्शन अगर हम ढूंढे, यहां पे देखो ऑप्शन बी में एंसेस्टर्स है और प्रीडिसेसर्स यहां पे ऑप्शन सी में है, तो ये दोनों तो एक ही सिनोनिम्स हो गया. इसीलिए अब हम नेक्स्ट ब्लैंक में भी आते हैं. व्हाइल देयर कलर एंड कंडीशन ऑफर क्लूज अबाउट योर डैश, उसका जो कलर है टो नेल्स का या फिंगर नेल्स या टो नेल्स का जो कलर है या उसका जो कंडीशन है, किस कंडीशन में है और किस कलर में है, उसने इंसान की ओवरऑल हेल्थ की बात करी है. तो यहां पे हम क्या भरेंगे? ओवरऑल. सो आंसर हो गया बी. और आगे हो गया, आगे बढ़ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या जंबल्ड है. जंबल्ड फॉर्म में हम जानते ना सिक्वेंसिंग आपको रीअरेंज करना होता है जंबल्ड फॉर्म में. अब यहां पे हमने एक पढ़ा सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस के कई सारे सेगमेंट्स बना के यहां पे दिया हुआ है. An elaborate network is the plot of the schemes and tricks of much ado about nothing. Capitalized letter में आप देख सकते हो much ado about nothing. एक comedy है, William Shakespeare ने लिखा होगा, तुम्हें से किसी ने पढ़ा हो William Shakespeare की much ado about nothing. तो इसके बारे में अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये तो नाम हो गया, ये एक comedy है, novel उन्होंने लिखी है, उसका नाम है ये. उसके बाद an elaborate network of schemes and tricks. तो स्कीम्स एंड ट्रिक्स को हम एक साथ रखें. अब यहां से अगर हम मान के चलो भाई, तो द प्लॉट, अगर आप देखो द प्लॉट ऑफ मच अडू अबाउट नथिंग इज एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ स्कीम्स एंड ट्रिक्स. द प्लॉट ऑफ स्कीम्स एंड ट्रिक्स इज अ प्लॉट. स्कीम्स एंड ट्रिक्स का थोड़े होगा, प्लॉट किसका होगा? प्लॉट मतलब आप समझते हो ना, कोई मूवी होती है, कोई नॉवेल होता है, कोई स्टोरी होती है, उसमें प्लॉट होता कि नहीं होता? मेन जो लीड स्टोरी होती है, क्या क्या होता है. तो प्लॉट किसका होगा? नॉवेल का, किसी न किसी मूवी का प्लॉट होगा. यहां पे किसका प्लॉट होगा? मच अडू अबाउट नथिंग का प्लॉट. तो हम क्या लिखेंगे? द प्लॉट ऑफ मच अडू अबाउट नथिंग किसमें है? ऑप्शन में देखो, सिर्फ और सिर्फ किसमें? सी में. तो सी करेक्ट आंसर हो गया. और उस प्लॉट में क्या है? मच अडू अबाउट नथिंग का जो प्लॉट है उसमें क्या है? एक इलेबोरेट का मतलब यहां पर डिटेल्ड नेटवर्क है ऑफ स्कीम्स एंड ट्रिक्स का. स्कीम्स का मतलब कॉन्स्पिरेसी और ट्रिक्स, या कॉन्स्पिरेसी या प्लानिंग, उसको हम स्कीम्स के तौर पे यहाँ पे हमने यूज करा हुआ. सो आंसर हो गया सी. इस तरह से हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन idioms, idioms इन phrases. इसको हम लोग कर ही रहे हैं. अब यहाँ पे आपको एक टर्म बनाना है, कीप समवन पोस्टेड. एक वर्ड होता है कीप समवन पोस्टेड, कीप समवन या समबडी पोस्टेड. इसका मतलब क्या होता है? कीप समवन इनफॉर्म्ड, कीप इनफॉर्म्ड ऑफ द लेटेस्ट. कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट कहीं पे हो रहा है ना, उसके बारे में किसी को इन्फॉर्म करे रहना. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मेंटेन सीक्रेसी, सेंड लेटर्स, नॉट डिस्टर्ब, कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इन्फो. सो आंसर इज डी. सो हमें याद क्या रखना है? कीप समवन पोस्टेड. यू नीड टू कीप मी पोस्टेड, यू नीड टू कीप योर सीनियर्स पोस्टेड. दिस इज हाउ वी यूज द idiom. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वन. ऑप्शंस दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच करना है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ. माई सन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जैसे हमने एक्सक्लेम की बात करी, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, और जॉय की भी बात करी जा रही है. तो वहां पे अब सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस में यहां पे आपने यूज करा हुआ है. यहां पे भी देखो, इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट. कौन सा हुआ? सिंपल पास्ट हुआ. इसका मतलब जो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ढूंढेंगे उसमें कौन सा टेंस होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट. बोलो कौन सा है? इट इज एन अट्रैक्टिव साइट. माय सन सेड इट इज एन अट्रैक्टिव साइट. अच्छा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां पे इसमें यूज नहीं करा है. व्हाट एन अट्रैक्टिव साइट इट इज. सो आंसर क्या हो गया? डी. माय सन सेड व्हाट एन अट्रैक्टिव साइट इट इज. इसी का हमने बनाया एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट. क्लियर. इसमें भी इट इज एन अट्रैक्टिव साइट में, चूंकि वो एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं है ना, तो वो फीलिंग सी नहीं आ रही, इसलिए आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जंबल फॉर्म में. जंबल में यहां पे आप देखो,
रंगा इज द अकाउंटेंट, इज द अकाउंटेंट सन. अब देखो यहां पे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये फिक्स है नंबर वन पे, और नंबर टू ये जो सेंटेंस है फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है ये फिक्स है. बीच में ए बी सी डी ये चार जो सेंटेंसेस हैं इनको हमें रीअरेंज करने की जरूरत है. तो हम इस पे समझते हैं कौन है रंगा, किसी अकाउंटेंट का सन है. फिर लिखा हुआ ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, इसका मतलब तो पहले बाहर गया होगा तब तो रिटर्न करो. ही इज वन रेयर ब्रीड ऑफ विलेज फोक हु लव्ड स्टडीज. ऑन हिज रिटर्न द विलेज विलेजर्स milled around his house to see whether he had changed or not. He had gone to Bangalore to pursue his studies. Okay, अब देखो, he is one rare breed of village folks who love studies. Ranga उन बच्चों में से, गांव के उन बच्चों में से था जिनको studies में नहीं, पढ़ना जिनको पसंद था. तभी तो फिर बोलेगा नहीं, he had gone to Bangalore to pursue his studies. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ B के बाद ही तो कहीं पे कौन आने वाला? D आएगा. तो हम इसको ध्यान में रखेंगे और हम ओपनिंग जो है वो भी वर्ड सेंटेंस जो है हमारा बी लग रहा है. तो बी के बाद डी कहां कहां पे है? यहां यहां और इन दोनों में है. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आप देखो, ही रिटर्न टू हिज विलेज आफ्टर स्टडीज ओवर वर ओवर ऑन हिज रिटर्न. इसका मतलब ऑन हिज रिटर्न हिज विलेजर्स मिल्ड अराउंड हिज हाउस टू सी. जब वो गांव लौटा होगा तभी तो उसके विलेजर्स या उसके दोस्त या फ्रेंड्स जो हैं उसको देखने के लिए वहां पे पहुंचेंगे. इसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन वो आखिरी में आया, तो सी आखिरी में है. बी ए सी को टिक करो, आगे बढ़ो. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, एट्थ वन, इसमें आपने क्या ढूंढना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, लॉफुल ऑब्जेक्शनेबल एक्शनेबल लीगलाइजिंग. लीगलाइज करने का मतलब होता है गिव समवन अ लीगल स्टेटस, उसको हम बोलते हैं लीगलाइज करना. लॉफुल इज नॉट इन वायोलेशन ऑफ लॉ, इन अकॉर्डेंस विद लॉ के लिए हम बोलेंगे लॉफुल. ऑब्जेक्शनेबल हम सबको मालूम है, तो इसमें कौन सा हुआ कॉज फॉर लीगल एक्शन? एक्शनेबल है, मतलब जिस पे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एक्शनेबल. करेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्शनेबल और लीगलाइजिंग ये हम समझ चुके हैं. नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, अब ये भी फिर से पहला वाला क्वेश्चन जैसा था ना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है. रेप्टाइल्स फ्रॉम एम्फीबियन डैश. अब यहां पे फ्रॉम है ना, रेप्टाइल्स की बात हो रही है, एम्फीबियंस की बात हो रही है. एम्फीबियंस जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो रेप्टाइल्स कैसे डिफर करता है? तो यहां पे अपने आप दिमाग में समझ आती है, डिफर्स फ्रॉम एम्फीबियंस. तो पहला वर्ड में आप देखो, अच्छा यहां पे डिफर वाली बात नहीं हो रही, इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे. फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 160 मिलियन इयर्स इन अर्थ हिस्ट्री, रेप्टाइल्स वर द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द प्लैनेट एंड इन द इन एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज. मतलब एग्जिस्टिंग यहां पे बात क्या बन रही है? दे एग्जिस्टेड, तो एग्जिस्ट वाला कहां पे नजर आ रहा? साइज, एग्जॉस्टेड, कंटिन्यूड, लिव्ड एंड एग्जिस्टेड यहां पे लग रही है. दूसरी बात, रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस, यहां पे डिफर की बात नहीं हो रही, इवोल्यूशन की बात हो रही है कि रेप्टाइल्स जो एक स्पीसीज बना वो एम्फीबियंस से क्या करा है, वो डेवलप हुआ है. इसका मतलब अब यहां पे डेवलप का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज होगा. कोई भी स्पीसीज चेंजेस आते हैं तो ग्रेजुअल चेंज होता है. ग्रेजुअल चेंज के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? इवॉल्व. और दूसरा वाला ब्लैंक में एग्जिस्ट टर्म बिल्कुल फिट बैठ रहा है. सो आंसर बना डी. होगी आसान, थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है हमें. क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको देखना है कि इसमें कौन सा पोर्शन में गलती है या नहीं है. राजू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम, ही मस्ट हैव स्टडीड वेल. अगर किसी ने एग्जाम में बहुत बढ़िया करा तो इसका मतलब पास्ट में उसने बहुत अच्छा करा होगा, तभी तो एग्जाम में बढ़िया लिखा होगा उसने. सो ही मस्ट हैव, मस्ट के बाद हैव लगा के और स्टडी का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. कहां पे है? ही मस्ट हैव स्टडीड वेल, आंसर सी, थर्ड ऑप्शन बन गया एक सेकंड में. नेक्स्ट वन, 11th वन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड. अब इसको ये जो है ना पहला वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड निकालना है. इसका मतलब तीन जो है करेक्ट है, एक ही रॉन्ग है. एक रॉन्ग इसमें कौन सा नजर आ रहा है तुमको? मिलेनियम. मिलेनियम में डबल एल होता है, आपको मालूम है ना मिलेनियम कैसे स्पेलिंग? एम आई डबल एल ई डबल एन, ध्यान रखने की जरूरत है. ये वर्ड सपीना, सपीना का मतलब होता है सामंस. कोर्ट जो किसी को इशू करता है ना सामंस, तो उसको हम सपीना बोलते हैं. सब पीना नहीं है, सपीना है. कॉकस मालूम आपको, कॉकस का मतलब कांग्रेस या कंपनी, उसको हम कॉकस बोलते हैं. और नोटिसेबल का मतलब समथिंग दैट वी कैन सी, दैट इज इजिली नोटिस, आई मीन दैट कैन बी इजिली नोटिस्ड, उसके लिए यूज करते हैं नोटिसेबल. तो स्पेलिंग में कहां प्रॉब्लम है? मिलेनियम. मिलेनियम में क्या होता है? डबल एल डबल एन. ये चीज हम जब वर्ड लर्न करते हैं थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है. नेक्स्ट वन, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम. एंटोनिम बताओ, अ गर्ल ऑडेशियस,
अंडरलाइन वर्ड इसमें द यंग गर्ल इज वेरी अंडरलाइन, मेरे ख्याल से ऑडेशियस ही है, तो ऑडेशियस इन वेरी इन एवरी एक्टिविटी. द यंग गर्ल इज वेरी ऑडेशियस, ऑडेशियस हम लोग कर चुके हैं. ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, बोल्डनेस ऑडेसिटी. सो ऑडेशियस इज बोल्ड, तो बोल्ड इसका क्या हुआ, सिनोनिम हो गया. तो हमें बताना क्या है, एंटोनिम. द बोल्ड का उल्टा क्या हुआ, टिमिड. सो टिमिड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट. बोल्ड इज ऑडेशियस, ऑपोजिट वर्ड हो गया शाय या टिमिड या कवर्डली, यही ना. ओके नेक्स्ट वन, 13 नंबर क्वेश्चन. यहां पे सिनोनिम बताना आपको, फेथफुल का सिनोनिम, फेथफुल मतलब लॉयल हमें मालूम है, तो फेथफुल का सिनोनिम क्या होगा बोलिए. वेवरिंग तो नहीं हो सकता, वेवरिंग का मतलब होता है डिथरिंग या हेजिटेटिंग. ओके अनट्रस्टवर्दी जस्ट ऑपोजिट वर्ड हो गया इसका. और फिकल अगेन चेंजिंग वंस माइंड, फिकल माइंडेड जिसको हम बोलते हैं. और तो यहां पे कौन सा आंसर हुआ, डिवोटेड. सो फेथफुल टू समवन, डिवोटेड टू समवन. सो आंसर हुआ फेथफुल का सिनोनिम क्या बना, डिवोटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर. इसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना आपको. ऑफिशियल अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर का क्या काम होता है, दो पार्टीज में या दो पर्सन के बीच में किसी भी इशू को लेके डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को जो सॉल्व रिजॉल्व करने का काम होता है वो किसका होता है, आर्बिट्रेटर का होता है. सो आंसर क्या है, यही पहला वाला ही निकल गया, आर्बिट्रेटर. सूद शेयर का मतलब होता है ऐसा जो कि आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा बताने की कोशिश करेगा, उसको हम सूद शेयर कहते हैं. एडवोकेट मालूम है, कॉन्फिडेंटे का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी. आई मीन हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था अल्टर एगो. सो अल्टर एगो हम ईगो हम यूज करेंगे कॉन्फिडेंट के लिए. कॉन्फिडेंट का मतलब वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, समवन यू ट्रस्ट ऑन, समवन यू बिलीव इन, समवन यू ट्रस्ट ऑन इज अ कॉन्फिडेंट, जिसमें हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं. उसके लिए दूसरा टर्म हम लोगों ने पहले करा हुआ है अल्टर एगो. सो क्लोज कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट वन, यहां पे इसमें आपने बताना है That contains an error. Error वाला, error some part. कौन से part error some है? The students were able to get better from the college. Get better from the college का मतलब क्या होता? कुछ बढ़िया चीज़ हासिल करना. And so they went to the movies. इसीलिए वो movies चले गए. College अगर बच्चों को बहुत बढ़िया देगा तो पढ़ाई करेंगे कि movies जाएंगे? Of course पढ़ाई करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? Get better की जगह get worse. कॉलेज ने उनको वर्स दिया इसीलिए वो चले गए. तो यहां पे आंसर कहां, गलती किसमें नजर आ रही है, गेट बेटर की जगह पे क्या होना चाहिए, गेट वर्स होना चाहिए, वर्स. तो आंसर कहां पे होगा, कौन सा पार्ट में, दे गेट, ये आंसर डी में आ गया, गेट बेटर. समझ में आई बात. चलो नेक्स्ट वन, इसमें क्या है, नो सब्स्टिट्यूशन इज नीडेड. अगेन वही है आपको बताना, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट दैट कैन अंडरलाइन सेगमेंट. फाइन. It is looking like, again sentence improvement, question बनाते हैं हम लोग. An ultralight airplane is very different from an conventional airplane. दो तरह की बात हो रही है, aircraft, aeroplane जो आजकल बन रहे हैं, conventional बड़ा bulky होता है और आजकल ultralight बनना बहुत ही light, जैसे अपने हम बन रहे हैं तेजस एयरक्राफ्ट, बहुत ही light combat aircraft है, नाम सुना होगा आपने, LCA उसका नाम ही है. तो ultralight जो conventional aircraft से बहुत ही different होता है. It is looking like a lawn chair with wings. मतलब एक चेयर जो हवाई जहाज मोह से पंख लग गया इस तरह से. It is looking या it looks. It is looking like is wrong English. It is looking like तो temporary act के लिए हो गया. यहाँ पे हमें permanent बात करनी है. Permanent बात के लिए simple present tense use करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? It looks like. Option number C is correct. Present tense जिन बच्चों ने पढ़ा उनको ये चीज़ याद, उस concept को यहाँ पे हमने use में ले लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. ये जंबल फॉग. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बल्कि है, बड़ा है ये, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम करेंगे. इट इज ऑलमोस्ट डेफिनेशन ऑफ अ जेंटलमैन टू से ही इज वन हु नेवर इन्फ्लिक्ट्स पेन. जेंटलमैन को डिफाइन करने की बात कर रहा, पहली बात. दूसरे सेंटेंस में बोलता है ही इज मेनली ऑक्यूपाइड. तो ही किसके लिए यूज कर रहे हो आप, जेंटलमैन के लिए यूज कर रहे हो. इसका मतलब है कि जेंटलमैन के बाद ही भी ये आने वाला है, यानी कि ए, अगर हम इसको सीक्वेंसिंग करें तो ए के बाद ही कहीं पे बी आएगा. हो सकता है इसके बीच में सी आ जाए या डी आ जाए या ना भी आए, इस तरफ आए. अब दूसरा, ही इज मेनली ऑक्यूपाइड इन मेनली. अब तो थर्ड वालों को पहले, हमारी कोशिश होनी चाहिए इस तरह के जो क्वेश्चन हो तो पहला लाइन, पहला जो जो है क्लॉज उसको जल्दी जल्दी हम पढ़ के देखते हैं. थर्ड वाला में द ट्रू जेंटलमैन इज लाइक मैनस. और फोर्थ वाला, हिज बेनिफिट्स मे बी कंसिडर्ड. अब उसमें बेनिफिट्स की बात हो रही है, इसमें ट्रू जेंटलमैन की बात हो रही है. अब यहां पे जेंटलमैन को डिफाइन कर रहा है फर्स्ट वाला, एंड ही इज मेनली ऑक्यूपाइड इन मियरली रिमूविंग मूविंग
द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम विच हिंडर द फ्री एंड अनएम्बेरस्ड एक्शन ऑफ दोज अबाउट हिम. इसका मतलब ट्रू जेंटलमैन को डिफाइन ये प्रॉपरली कर रहा है. और जेंटलमैन टर्म यहाँ पे नाउन यूज हुआ, नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा. डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन की बात हो रही है. ए को भी फॉलो कर रहा है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है. अब इतने से हम क्या करेंगे, जल्दी से ऑप्शन देखेंगे. इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस ये हो गया. अकेला आंसर है, अकेला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी. हम उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो पॉइंट डेवलपिंग बैड ब्लड. बैड ब्लड हम लोग पहले से भी जानते, बैड ब्लड इज एनमिटी हॉस्टिलिटी. तो आंसर क्या हुआ इसका, एनमिटी हो गया. एक सेकेंड का काम है ये. नेक्स्ट वन, 17 नंबर क्वेश्चन, आई गिफ्टेड अ सॉफ्ट टॉय टू माई डॉटर. इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, आई गिफ्टेड अ सॉफ्ट टॉय. तो अ सॉफ्ट टॉय से हम यूज करेंगे, देखेंगे कहां पे. अ सॉफ्ट टॉय, टेंस कौन सा है, आई गिफ्टेड सिंपल पास्ट. अ सॉफ्ट टॉय इज गलत हो गया, वॉज दो आ गया. अ सॉफ्ट टॉय, अ सॉफ्ट टॉय वॉज बींग गिफ्टेड. अ सॉफ्ट टॉय वॉज गिफ्टेड सिंपल पास्ट, आंसर बन गया जी. अ सॉफ्ट टॉय वॉज गिफ्टेड, यहां पे बींग हो गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि वो कंटिन्यूअस के लिए हो गया. सो आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक, इन हमें देखना है. क्वारल्स रिजल्ट इन डैश कन्फ्रंटेशंस एंड ब्रिंग ऑल कन्वर्सेशंस टू अ कंप्लीट स्टैंडस्टिल. अगर हम झगड़ा ही कर लेंगे, दो पार्टीज है, दो पार्टीज में अगर किसी बात पे झगड़ा ही हो जाए, झगड़ा फाइटिंग ही हो जाए, तो जो इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट विल कम टू अ स्टैंडस्टिल. कंप्लीट स्टैंडस्टिल का मतलब आके रुक जाना, चेकमेट जिसको आप कहते हो, जहां से आगे कोई एक्टिविटीज बढ़ नहीं सकती है. तो इसीलिए अब यहां पे इसको हम चेक करेंगे, यहां पे देखेंगे इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है. क्वारल्स रिजल्ट इन कन्फ्रंटेशन, फाइन, अगर क्वारल्स होगा तो कन्फ्रंटेशन होगा. लेकिन कन्फ्रंटेशन कैसा होगा, कन्फ्रंटेशन किस तरह से, अब उसके लिए हम यहां पे एडजेक्टिव यूज करेंगे. डिस्प्यूटेड, कोल्ड कन्फ्रंटेशन, ये इससे कोई मतलब नहीं बनता. कोल्ड कोल्ड नहीं हो सकता, बल्कि गुस्सा वाला होगा. गुस्सा के लिए डिस्प्यूटेड भी नहीं यूज करेंगे, कोल्ड नहीं. हॉट और हीटेड, हॉट इट्स अ रादर हॉट, गर्मी के बारे में बोलते. यहाँ पे एंगर के सेंस में यूज होगा, एंगर के सेंस में हॉट नहीं यूज होता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है. दो लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हॉट आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वो हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है. तो हीटेड का मतलब होता है फुल ऑफ एंगर. हीटेड का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एंगर, गुस्से से भरा हुआ. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट. सो बी सी इज द करेक्ट आंसर. हॉट आर्ग्यूमेंट नहीं होता, इट्स अ हीटेड आर्ग्यूमेंट. हॉट डे हो सकता है, हॉट समथिंग हो सकता है. मेरे ख्याल से क्लियर है. चलो 21st क्वेश्चन, 19th नंबर क्वेश्चन, सिमरन वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स. इसको पैसिव वॉइस करिए, बहुत आसान है. वॉज प्लकिंग क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस. द फ्लावर यहां से शुरू करो, वॉज कहां लगा, द फ्लावर्स है प्लूरल है तो वर, तो एक ही तो है, वर बींग प्लक्ड. सो आंसर हो गया सी. एक सेकेंड का काम, दूसरा इसमें कोई कंटेंडर भी नहीं है जिसमें हमें वक्त को जाया करना पड़े, ऐसा भी नहीं करना है. मेरे ख्याल से क्लियर है. चलो नेक्स्ट वन, 20th, इसमें फ्लाउट करने का, फ्लाउट का सिनोनिम बताना आपने. ही हैज बीन फ्लाउटिंग रूल्स. फ्लाउट करना इज टू आई मीन नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट अबाइडिंग बाय. सो यहां पे फ्लाउट के लिए क्या यूज करोगे, रूड, रैश, डिफाई. डिफाई फ्लाउटिंग मतलब नॉट पेइंग मच अटेंशन, है किसी को ज्यादा ध्यान नहीं देना. फ्लाउट करना, वायलेट करना. फ्लाउट करने का क्या सेंस बनेगा बोलो, वायलेट, वायलेट करने के सेंस में यूज करेंगे. नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स, नॉट स्टिकिंग टू द नॉर्म्स, उसको हम बोलेंगे फ्लाउट, फ्लाउटिंग रूल्स. चल सो नेक्स्ट वन, अब ये फिर से आ गया आपका पैसिव वॉइस बनाना. सेलर शैल डिस्पैच द पार्सल. ऑब्जेक्ट के तौर पे यहां पे पार्सल यूज करा गया है. द पार्सल्स यहां पे सिंपल फ्यूचर, मे माइट विल, विल विल. एक सेकेंड, द पार्सल विल बी डिस्पैच सून टू चेन्नई बाय द सेलर. बोलो बना कि नहीं. यहां पे हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे शैल डिस्पैच वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे क्या लिया, सब्जेक्ट के तौर पे लिया ना. उसके बाद सिंपल फ्यूचर में कौन है, मे भी नहीं, माइट नहीं है, कैन नहीं है, विल है, बना दिया खट से. एक सेकेंड बन गया, ठीक है. चलो नेक्स्ट वन, माधव अप्लॉडेड हर सेइंग दैट ही शी हैड डन वेल. अब इसमें क्या कर, नरेशन बनाना, चेंज करिए. माधव सेड, अप्लॉड करना इज टू प्रेज समवन. Applauding is was praising na, okay. So Madhav said, "Bravo, okay. She had done. You have done well. You have done well. You have done well. Bravo, you have done well.
ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सी अभी किसी को कर ले, यहाँ पे रिपीट हो गया टाइपिंग की वजह से, कोई बात नहीं। चलो अब जो नेक्स्ट वन है, डू यू, इसको पैराजम्बल करिए, डू यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी आई आस्क्ड, फिर से देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस और लास्ट वाला सेंटेंस फिक्स है, अब बीच में एक दो तीन चार ये सेंटेंसेस है, इनको हमें रीऑर्गेनाइज करना है, रीअरेंज करना है। बोलिए डू यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी, मैंने किसी से पूछा, कोई मिला मुझे, मैंने किसी से पूछा क्या आप मुझे अभी अभी पहचानते हैं, ये हम तभी बोलते हैं जब हम किसी इंसान से बहुत दिनों बाद मिलते हैं और मुझे लगता है कि शायद वो मुझे अब पहचानता नहीं होगा, लेकिन हम पहचान रहे उसको, तो हम बोलते हैं क्या आप मुझे अभी पहचानते हैं। आंसर क्या आएगा, द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, आई एम मिस्टर एस डॉटर, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप्स, शी ओपन द डोर अ लिटल, शी ओपन द डोर देन आई केम क्लोजर एंड द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, आई एम मिसेस डॉटर सन। अब ए और बी, बी ए, अब यहां पे ऑप्शन में ए तो नहीं ओपन कर रहा, बी आई एम समवन, तो बी ओपन कर रहा है, बी के बाद क्या आ जाएगा, फिर जब हम ऐसा बोलेंगे तो ऑफ कोर्स अगर हम किसी से बोलेंगे मैं, मेरा नाम ये है, तो वो आदमी एक बार अगर ठीक से याद नहीं है मुझको, वो नहीं पहचान पा रहा, तो सर्चिंगली मेरे ऊपर देखेगा कि नहीं देखेगा, तो ए बी के बाद क्या आ जाएगा, ए, बी के बाद ए कहाँ है, बी में और सी में, उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनता है, शी ओपन द डोर नेक्स्ट आ जाएगा, तो आंसर हुआ सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उसने दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोला थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़े, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैनिटाइज करना, सैनिटाइज इज मालूम है हमें हैंड सैनिटाइज करना, तो सैनिटाइज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सैनिटाइज का ये पोल्यूट, डिवोट, सेक्रीफाइस एंड प्यूरिफाई, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th नंबर, 25th में इनकरेक्टली स्पेल्ड में अपियरेंस अकोमोडेट इनकरेक्टली, अपियरेंस इज करेक्ट, अकॉम्पनीड इज करेक्ट, अफेक्शन इज करेक्ट, अकोमोडेट में डबल एम होता है, अकोमोडेट हम इस तरह लिखते हैं ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, अकोमोडेट। सो इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन हुआ, आंसर नंबर बी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स इनकरेक्टली स्पेल्ड, यहां पे डबल एम होना चाहिए। अकोमोडेट करना मतलब मेक रूम फॉर समथिंग, अकोमोडेट करो, इसको भी यहां पे अकोमोडेट करो, मतलब मेक रूम फॉर समथिंग इज अकोमोडेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में आओ, इसमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना, द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल फॉर, होल्ड ऑन कभी नहीं होता, द पुलिस कुड नॉट होल्ड बैक द पीपल होता है या होल्ड द पीपल, सो आंसर यहां पे मिल गया होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ये आंसर इज डी, द पुलिस कुड नॉट होल्ड द मासेस, द पुलिस कुड नॉट होल्ड द क्राउड, हम इस तरह या होल्ड बैक द क्राउड, मतलब उसको मैनेज इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा पुलिस आई मीन पुलिस बल नहीं था और जनता पब्लिक बहुत ज्यादा आ गई, तो पुलिस उसको मैनेज नहीं कर पाई या मैनेज कर पाई, उसके लिए हम यूज करेंगे होल्ड द क्राउड या होल्ड बैक द क्राउड। तो यहाँ पे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी को वेट करना, यूजुअली फोन वगैरह पे हम बात करते हैं, कोई बोलता है हमें इससे बात करनी है तो हम कहते होल्ड ऑन, होल्ड ऑन करो, तो वहां पे होल्ड ऑन का हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये रॉन्ग हुआ आपका, ऑन को काटना है। नेक्स्ट वन ये जो है इसमें रीअरेंजमेंट, द आश्रम्स यूज्ड वर द सेंटर्स ऑफ द नॉलेज एंड लर्निंग एज एज अ सेंटर्स, अब देखो यहां पे हम ऐसे बनाएंगे एज द सेंटर्स ऑफ, एज द सेंटर्स ऑफ, एज द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग कहां पे है, एज द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, एज द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, सिर्फ एक ही में है एज द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, सो आंसर बी हुआ, द आश्रम्स वर यूज्ड, आश्रम्स का इस्तेमाल, पुराने जमाने की बात हो रही है 5000 साल पहले 4000 वर्ष पहले हमारे मुल्क में आश्रम्स हुआ करता था, आश्रम्स में शिक्षा दी जाती थी, तो आश्रम्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था उन दिनों, एज ए सेंटर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज और लर्निंग के सेंटर्स के तौर पे आश्रम का हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th वन, सेलेक्ट द मोस्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए, द लॉयर टोल्ड द फादर ऑफ द अक्यूज्ड, अब ये यहां पे है डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में करो ना, द लॉयर टोल्ड द फादर There is a rumor that he had. अब देखो एक काम है, यहाँ पे सिंपल पास्ट में है तो चेंज करेंगे इसको, और चेंज करेंगे तो अब जो है ये इसको हम देखें, इसमें क्या है हमने यूज करा है रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग, इसमें क्या है इज और इसमें क्या है has. रिपोर्टेड स्पीच में क्या है इज, यानी कि कौन सा टेंस हुआ, रिपोर्टेड स्पीच में हम सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, दूसरा क्या यूज कर रहे हैं
प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो ये पास्ट में चला जाएगा और ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो लॉर्ड अभी पहले हम उसी पे नजर डालते हैं कहां पे ये दोनों यूज करा गया, पास्ट और पास्ट परफेक्ट कहां यूज करा गया, तो ये हैड बीन है तो रॉन्ग हो गया। उसी के बाद हमने यहां पे देयर वॉज, इसके चांसेस बंद है, यहां पे भी हैड, एक बार और हम चेक करेंगे कहीं और है, नहीं है, नहीं है, ये है, इसमें हैड वाला नहीं है, इसमें वॉज और या वॉज, सो आंसर बन गया, भी हो गया। ये शॉर्टकट हमें यूज करना होता एग्जाम पेपर के समय, हमारे पास बहुत वक्त नहीं होता सबको पढ़ना देखना है कि करना। अब हमें मालूम है ना कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कहाँ जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाएगा, खट से ऑप्शन में वही दिमाग बनाया और उसके हिसाब से खट से निकाल लिया कि बी में ऐसे ऐसे सही आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 31। अब हम लोग आगे पैसेज पे, पैसेज यहाँ पे चाइना एंड इंडिया टुगेदर, इसको तो हमें पढ़ना पड़ेगा पैसेज को, एक बार हम पढ़ते हैं इसको, अभी हम पढ़ते हैं एक बार और आंसर को हम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है उसको हमें ध्यान रखना होता है। स्टैंडर्ड्स 900 मिलियन, ओके, फाइन। अब इसमें पैसेज में जो बात करी गई है कि चाइना और इंडिया के बारे में एक सर्वे जो यहाँ पे एस्टिमेशन है, क्या एस्टिमेशन है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो क्या होने वाला है, 8 जो ये इतना बिलियन हो जाएगा और इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर क्या होगा, इंडिया और चाइना, बिकॉज इतना जो वो 8.8 बिलियन जो पॉपुलेशन होगा उसमें वन थर्ड ऑफ द एस्टिमेटेड ग्लोबल, मतलब वन थर्ड जो है कौन कंट्रीब्यूट करेगा, दो मुल्क इंडिया और चाइना मिलके एंटायर ग्लोब के, एंटायर अर्थ पे जो पॉपुलेशन है उसका 33-34% जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, इसकी बात हो रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको एस्टिमेट करा है, बट लेकिन यहाँ पे एक बात हो रही है, कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक परसेप्शन, ये जो परसेप्शन या जो सर्वे है कि इतना हो जाएगा पॉपुलेशन 8 बिलियन और इंडिया का और चाइना का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना होगा, उसके अगेंस्ट मैंने उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करते ये बता रहा है कि इन मुल्कों में स्पेशली चाइना में, इंडिया और चाइना दोनों में स्पेशली यहाँ पे टर्म यूज करा है, पर्टिकुलरली इन चाइना देर हैज बीन अ डिक्लाइन, पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, जो कि पहले कितना था 7.52% था बर्थ रेट पर 1000, वो अब क्या हो गया है 6.77 हो गया, ये बात यहाँ पे करी गई है। और इसमें थोड़े से चाइना की इकोनॉमी की भी बात करी गई है और नीचे इंडिया के बारे में जो बात करी गई है कि इंडिया का पॉपुलेशन में ज्यादातर क्या है, यूथ है, यंग फोर्स है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये जो फ्रेज यूज करा है इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये इंडिया के बारे में बोला है। अब इतने के बेसिस पे हम आंसर यहाँ पे करेंगे। द मेन थीम ऑफ द थीम क्या होता है, मेन मैसेज पैसेज क्या हमें बताना चाहता है, रीडर्स को क्या बताना चाहता है, ये बात हुई। तो मेन थीम क्या है, हमने इसको पढ़ा कि भाई पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो 8 बिलियन के आसपास होने वाला है और इसमें दो मेजर कंट्रीब्यूटर है, इंडिया और चाइना, लेकिन उसमें एक बात और कि कुछ अभी जो जनरल परसेप्शन है उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, स्पेशली किसमें, चाइना में। तो हमारा फोकस ज्यादा कहाँ पे है बोलो, चाइना में, और चाइना के बारे में डिटेल करा गया, पॉपुलेशन में डिक्लाइन करा है, डेटा चाइना के बारे में फर्निश करा है पैसेज ने, ऑफकोर्स इंडिया के बारे में भी बात करी गई है। तो मेरा या तो हम पैसेज में थीम के तौर पे क्या समझेंगे, इंडिया और चाइना में पॉपुलेशन में डिक्लाइन, लेकिन चूंकि बाद में जाके इंडिया के बारे में थोड़ी कम बात करी गई है और यहाँ पे टर्म इन्होंने यूज कर लिया पर्टिकुलरली इन चाइना, इसका मतलब फोकस जो है ऑथर का वो चाइना के पॉपुलेशन, चाइना में जो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है
उस पे है, इसीलिए आंसर हम क्या करेंगे, चाइनाज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर, आंसर है। हालांकि बी वेरी क्लोज, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया एंड चाइना, लेकिन यहाँ पे कुछ एक टर्म सबको हिंट कर रहे हैं, ये वाला वर्ड और ये सब जो डिटेलिंग दिया है वो उससे पता चल रहा है कि ऑथर का मेन फोकस कहाँ है, चाइना के डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे 30th, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय द दिस ईयर, 8.45, ऑप्शन बी, अभी आपने पढ़ा एस्टिमेटेड क्या है, 8.45 बिलियन ना, तो आंसर हो गया, एक सेकंड में कर लिया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन वॉज 900 इन 2021, यस, यहां पे आपने पढ़ा ना अभी 900, तो ये एकदम करेक्ट हुआ। दूसरा वाला, 10 years India's working age population will be more than 1 billion. ये भी यहाँ पे लिखा, in a decade, यहाँ पे ही लिखा हुआ ना, according to data from the organization. And this number is expected to hit more than 1 billion over the next decade. Next decade मतलब 10 years. तो 10 साल में ये करीबन 1 billion के आसपास होगा, तो ये भी करेक्ट हुआ, तो दोनों करेक्ट हुआ, A is true, B is false, A is false. So answer D. एक सेकंड का काम है, पैसेज को हमने सही से एक बार समझ लिया और हम बना देंगे। नेक्स्ट वन, अब जो है आपका ये भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलॉन्ग विद द फ्लैगिंग पॉपुलेशन डेटा, फ्लैगिंग टर्म यहां पे यूज करा है, ये देखो कहीं पे पढ़ा हमने, ये है फ्लैगिंग, इस जगह कहीं पे है ये फ्लैगिंग, ये फ्लैगिंग, अलॉन्ग विद द फ्लैगिंग पॉपुलेशन डेटा, फ्लैगिंग मतलब डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, तो यहां पे क्या हुआ, फ्लैगिंग का क्या पूछा है इन्होंने, सिनोनिम, हियर फ्लैगिंग मींस एक्सेप्ट, ओ फ्लैगिंग मींस एक्सेप्ट, मतलब तीन जो ऑप्शन है फ्लैगिंग के सिनोनिम से, एक नहीं तो वेनिंग, ड्विंडलिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग, ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं, इसलिए आंसर हो गया ascending, ascending जस्ट ऑपोजिट हुआ, ascending is growing के सेंस में, यहां पे है declining या dwindling या wane करना, waning is something, कमजोर पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप नेक्स्ट पैसेज आ गया, एंसेस्टर ऑफ भागीरथ और सागर, अच्छा वो तो वहां से लिया हुआ, कंडक्ट अश्वमेघ एक्सटेंडेड, सेज कपिल, भागीरथ, स्टिल द फोर्स ऑफ गंगाज लैंडिंग वॉज सच दैट इट स्प्लिट इन टू 7 ट्रिब्यूटरीज, वागीरथा टू द प्लेस वेयर द एंसेस्टर्स एशेस ले, द रिवर्स वॉटर्स प्यूरिफाई देम, दिस इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ द, ओके फाइन, ये किंग, एक किंग थे सागर और उनके बारे में है, और एंसेस्टर ऑफ किंग भागीरथ, भागीरथ के एंसेस्टर थे कौन, सागर, सागर, तो उनके 60,000, उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ कराया और उन्होंने एक हॉर्स को, घोड़े को छोड़ा, तो वहाँ पे उसका हॉर्स क्या करा, उनके साथ 60,000 सन्स को भी भेजा, अपने 60,000 सन्स थे उनके, राजा के मतलब किंग सागर के 60,000 सन्स को भी भेजा, लेकिन वो उन लोगों से क्या हुआ, कोई सेज थे ऋषि, और वो ऋषि जो थे ना वो उनको डिस्टर्ब किया, किसने, उस हॉर्स ने और 60,000 सन्स ने, उसकी वजह से उनको श्रापित कर दिया, और श्रापित करने के बाद उनको जला दिया, भस्म कर दिया। बाद में जब राजा उनके पास मिलने गया तो उन्होंने राजा को बोला कि भाई एक है तरीका कि यदि गंगा जो होली रिवर गंगा है यहाँ पर धरातल पर आ जाए तो उससे ये पॉसिबल है। फिर बात हुई कि गंगा के फोर्स को कौन बेयर करेगा, तो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के लॉट्स जो है ना, लॉट लॉक, उस पे जो है हम उस क्या करेंगे, उसको लॉर्ड शिवा के लॉट्स पे आएगा वो फोर्स, वहां पे वो बर्दाश्त करेगा, गंगा के फोर्स को बर्दाश्त करेगा, ये बात यहां पे करेगी। फाइनली भागीरथ जो है अपने बहुत ही ज्यादा पेनेंस के थ्रू, सीवियर पेनेंस के थ्रू गंगा को कन्विंस करते हैं, वो लॉर्ड शिवा के लॉक लॉक जो होता है लॉक उस पर आती हैं, और उसके बाद भी उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है,
फिर भी गंगा के 7 ट्रिब्यूटरीज बन जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां बन जाती है। बस उसके बारे में बोलिए, फाइनली उनको क्या मिलता है, उनका उद्धार हो जाता है, जो उनके जितने 60,000 जो लोग उनके बच्चे जो बेटे उनके भस्म हुए थे उनको उद्धार हो जाता है गंगा की वजह से। और इसका पूरा क्रेडिट किन को जाता है, किंग भागीरथ को जाता है। इस पे बेस्ड है, हम लोगों ने, हम में से कुछ लोगों ने शायद इसको पहले सुना भी हो, पढ़ा भी होगा। इट वॉज भागीरथ हूज ऑस्टियर पेनेंस, पेनेंस द वर्ड ऑस्टियर हियर मीन्स सेवियर, ऑस्टियरिटी, ऑस्टियर, ऑस्टियर हार्श मतलब, ऑस्टियर मतलब सीवियर, हार्श, उस सेंस में हम यूज करते हैं। सो इसका सिनोनिम क्या बना, सीवियर। द अबव स्टोरी इज मेनली अबाउट द किंग कपिलास एंगर, द लॉर्ड शिवाज होल्डिंग द कमिंग ऑफ रिवर गंगा टू द अर्थ, गंगा के इस धरातल पे आने के बारे में पूरी स्टोरी है, तभी तो उनका 60,000 लोगों का उद्धार होता है। तो मेन स्टोरी किसके बारे में है, दिस वन। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द गिवन इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस में करना है हम लोगों को। किंग सागराज सन्स वर बर्न्ड बाय कपिला, किंग भागीरथ परसुएडेड गंगा टू फॉलो, ये बाद में परसुएड करा है, पहले बर्निंग हुई है बाद में परसुएड करा है। इसका मतलब ए यहाँ पे और बी को बहुत दूर लिखना है हमें, बीच में और भी वर्ड्स होगा। किंग सागरा परफॉर्म्ड, तो अब यहाँ पे सी आ गया, किंग सागराज सन्स वर बर्न्ड, उसके पहले सी आएगा, पहले उन्होंने परफॉर्म किया अश्वमेध यज्ञ, उसके बाद किंग देवर बर्न, तो सी ए बना। सी ए कहीं है, दो में है, एक सी में और एक डी में। नेक्स्ट भी हमें देखना होगा कि डी आता है कि क्या आता है उसके बाद। तो पहले आया किंग सागरा परफॉर्म्ड एन यज्ञ, उसके बाद आया ए सागरा सन्स वर बर्न्ड, किंग सागरा परसुएडेड, नो, उसके बाद सोल्स ऑफ द, उसके बाद हाउएवर द फ्लो हैड टू बी रिस्ट्रेंड, ये आखिरी में चला गया। सो हाउएवर द फ्लो, ये गंगा के लैंड करने, धरती पे लैंड करने की बात, इसका मतलब ई, इसका मतलब सी, ई जो है गंगा का वो फ्लो की बात हो रही है। गंगा के फ्लो को लॉर्ड शिव के लॉक पे पहले आए, उसके बाद वो फिर भी उनका फोर्स ज्यादा था तो 7 ट्रिब्यूटरीज बनी, इसका मतलब ये वाला आखिरी में हुआ। सो ई आखिरी में आएगा, तो ये सी ए और ई, आंसर सी को टिक मारो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए स्टोरी, मिथोलॉजिकल स्टोरी है, मिथ पे बेस्ड है, मिथोलॉजिकल, आपको मालूम है मिथोलॉजिकल स्टोरी। सो आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा ये पैसेज है, इस क्लोज टेस्ट है, इस क्लोज टेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स, हम लोग कर चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड 62 न्यू मून्स ऑर्बिटिंग द रिंग्ड प्लैनेट सैटर्न, सैटर्न के 62 मून्स को डिस्कवर करा, दो सम ऑफ द मून्स हैड बीन डैश एज अर्ली एज 19, मतलब डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड, मेरे ख्याल से यहां पे बनता है, तो इसमें स्पॉटेड, स्पॉटेड, एंड यहां पे सिंपल पास भी यूज करा है, नहीं 2019, सो स्पॉटेड इज द करेक्ट आंसर, बी, बी बन गया। It takes more than sighting an object close to a planet to dash it is a moon. It takes more than sighting an object close to a planet to dash. Option है progress, product, practice. It takes more than sighting an object close to a planet to it is a moon and not an asteroid. Planet to process matlab it takes more than sighting, mana sighting is seeing, just seeing is not enough, sighting an object close to a planet to process it is a moon or not an asteroid, matlab practice, product, progress, process matlab confirm karna, to be sure ke sense mein practice nahi ho sakta, product nahi ho sakta, progress nahi ho sakta, so process matlab process is conclusion pe aana, I am sorry ye third wala pe aa raha hai, ये फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड है, थर्ड ब्लैंक की बात हो रही है, इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू इज हियर, तो हम यहाँ पे देखना चाहिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ओके, टू कंफर्म, सो आंसर बना डी, यहाँ पे क्या बना, टू कंफर्म, फाइन। इट टेक्स मोर देन साइटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू एन प्लैनेट टू कंफर्म इट इज वेदर इट्स अ मून और सम एस्ट्रॉइड, सो आंसर हुआ यहाँ पे कंफर्म। अब जो है क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे थर्ड में आओ, थर्ड में क्या है, मेकिंग अ ब्रीफ क्लोज पैसेज, परफॉर्मिंग अ पेन स्टैकिंग डैश ऑफ द मैचिंग ऑब्जेक्ट्स डिटेक्टेड ऑन डिफरेंट नाइट्स, जस्ट अ मिनट, थर्ड वाला प्रोग्रेस, प्रोडक्ट, प्रैक्टिस, सो परफॉर्मिंग अ पेन स्टैकिंग ऑफ द मैचिंग ऑब्जेक्ट्स डिटेक्टेड ऑन डिफरेंट नाइट्स ओवर द कोर्स ऑफ 24 मंथ, पेन स्टैकिंग
painstaking progress, painstaking product, painstaking progress या practice, painstaking practice. So इसमें क्या आ जाएगा? Practice आ गया third में. Painstaking practice, इसमें आंसर हो गया आपका A. 38 में A हो गया. क्वेश्चन वन थर्ड ब्लैंक में. अब फोर्थ ब्लैंक में आ जाओ. फोर्थ ब्लैंक में वन ऑफ द सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स आर दी सैटेलाइट्स, सो वन ऑफ दी सैटेलाइट्स आर दोज सैटेलाइट्स वॉज रिवील दोज, सो दोज हो गया यहां पे, बन गया. सो इस तरह से हमने इसको खत्म करा. और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है या 40. सो डन हो गया.